गाइज नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य, वहां से सबसे ज़्यादा बच्चे नीट में अपीयर होते हैं और इतने सारे कॉलेज पिछले साल ओपन होने के बाद भी यहां की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया के बराबर पे रही। आप राजस्थान बिहार से कंपेयर करेंगे तो जरूर कट ऑफ थोड़ा कम रहा, लेकिन अप्रॉक्स देखा जाए जितने सीटें बढ़ी थी उसके बाद भी कट ऑफ उतना ज़्यादा कम नहीं रही। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की क्या रहेगी उस पर हम थोड़ा नज़र डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इस बार पिछले साल जैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत जो है कम हो जाएंगे क्योंकि बायो के वजह से बायो लेंदी था और टाइम टेकिंग था, सो कट ऑफ इज गोइंग टू बी रिड्यूस स्लाइटली, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो 2020 में 607 नंबर गया था वही 2021 में 595 पे आ गया था। ये जो है एक स्पेशल मॉपअप राउंड कराया गया था उसका है, ठीक है ना। ये जो कट ऑफ है 2021 में, मतलब लास्ट में मिले थे, मॉपअप का भी कट ऑफ ज्यादा गया था उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटेंजन मॉपअप राउंड का जो कट ऑफ गया था उत्तर प्रदेश का वो 595 गया था जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 21,000 कुछ रैंक तक इनको कॉलेजेज मिल गई थी, ठीक है। इसी को लास्ट 453 मिला था लेकिन इस पे सेकेंड राउंड में, लेकिन इसमें 452 पे मिल गया था कॉलेज। एसटी को का वही रहा था 241। तो इस बार अगर आपके 592, ठीक है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 592, 3 मार्क्स कम हो सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस 5 आप लेके चलिए क्योंकि दिस इज द प्रिडिक्शन। अब क्या इसको ये होता है अभी आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन प्लस माइनस 5 लेके चलना। तो 592 प्लस माइनस 5 हो सकता है, माइनस 5 चला जाए 587 तक चला जाए, ठीक है ना, और ये 586 चला जाए, ये 585 तक चला जाए, तो दिस इज द पॉसिबल, एंड ये 597 भी पहुंच सकता है, राइट। तो ये प्लस माइनस 5 लेके चलना आप सभी में, और एससी 447 और एसटी 235, तो ये है इसमें आप प्लस माइनस 5 लेके चलना, ये अभी का जो प्रिडिक्शन है और माइट भी यही रहने की संभावना है। लेट्स सी, रैंक के बाद सब क्लियर हो जाएगा रिजल्ट के बाद। और चैनल पे नया आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।